प्रिय व्यूअर्स यह संस्कृति आई ए एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित पांच प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पिछले कुछ वर्षों से भारत के रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि देखी गई है वर्तमान में भारत के 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक न ही दो क्या होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पिछले कुछ वर्षों में रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते रक्षा निर्यात में वृद्धि देखी गई है हाल ही में सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए विवरण के अनुसार भारत ने पिछले सात वर्षों में अड़तीस हजार पाँच सौ करोड़ रुपए की सैन्य सामग्री तथा प्रणालियों का निर्यात किया है इसके अतिरिक्त रक्षा निर्यात का मूल्य वर्ष 2019-20 में 9115.55 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2020-21 में 8434.84 करोड़ रुपए था वर्तमान में भारत विश्व के पिछहत्तर से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है वर्ष 2014 15 तथा वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात किए गए प्रमुख हथियारों में वक्तर वन सुरक्षा वाहन कम भार वाले टारपीडो हथियार खोजी रडार अग्रि नियंत्रण प्रणाली आंसू गैस लॉन्चर शामिल थे इस प्रकार कथन एक गलत है जबकि कथन दो सही है अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा आज के अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाने हेतु मंच प्रदान करती है इन तीन दिवसीय फोरम की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को होगी इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट है उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है केवल एक और दो केवल तीन केवल दो और तीन उपयुक्त में से कोई नहीं क्या होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 के शुभारंभ की घोषणा की है इस घोषणा के साथ भारत में संयुक्त राष्ट्र आधारित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की शुरुआत हो गई है इस फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने हेतु एक इंटरनेट शासन नीति चर्चा मंच प्रदान करता है इस तीन दिवसीय फोरम की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को होगी इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट है संपर्क के इस माध्यम को इंटरनेट गवर्नेंस के बहु हितधारक मॉडल के रूप में जाना जाता है जो इंटरनेट सफलता की प्रमुख विशेषता है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम तथा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नर्म्स द्वारा बहु हितधारकों की अवधारणा को प्रभावी ढंग से अपनाया गया है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता वाला देश होने के साथ प्रतिमाह प्रति उपयोगकर्ता सबसे अधिक डेटा की खपत करने वाला देश भी है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल है कि ब्रॉडबैंड का विकास भारतीय समुदाय की जीवन शैली एवं आवश्यकताओं के अनुरूप है इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्ट में शेरों को सुभेद श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है मनुष्यों के साथ संघर्ष अवैध तथा ट्रॉफी शिकार शेरों की आबादी में कमी का प्रमुख कारण है भारत में पाए जाने वाले एशियाई शेर विशाल अफ्रीकी शेरों के परिवार से संबंधित हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है केवल एक केवल दो और तीन केवल एक और दो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री ने 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के अवसर पर शेर संरक्षण के प्रति उत्साहित सभी लोगों को बधाई दी है शेरों को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है इन शेरों ने अपने निवास स्थान का एक बड़ा भाग खो दिया है जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से मनुष्यों के साथ संघर्ष अवैध तथा ट्रॉफी शिकार के कारण इनकी आबादी में कमी आई है इनकी आबादी में तेजी से आई कमी को देखते हुए गैर लाभकारी समूह तथा पर्यटन कंपनियों के एक समूह ने पशु दिवस मनाने तथा विश्व का ध्यान उनकी ओर पुनर्निर्देशित करने के लिए विश्व शेयर दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया था पेंथेरा तथा नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी बिग कैट इनिशिएटिव जैसे संगठन विश्व शेर दिवस का समर्थन करते हैं भारत में पाए जाने वाले एशियाई शेर विशाल अफ्रीकी शेरों के परिवार से संबंधित है कुछ समय तक इनकी जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली किंतु इसके बाद गुजरात के गिर वनों तथा विस्तृत सौराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र में एशियाई शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है इनकी संख्या वर्ष 2015 में 523 से बढ़कर वर्ष 2020 में 674 हो गई थी इस प्रकार उपरुक्त सभी कथन सही है अतः विकल्प डी का सही उत्तर होगा चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एविया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है संकीर्ण यूरिपस जल डमरू मध्य इस द्वीप को ग्रीस की मुख्य भूमि में स्थित ओटिया से अलग करता है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो क्या होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एविया द्वीप जिसे यूबोआ के नाम से भी जाना जाता है क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से क्रेते के बाद ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है संकीर्ण यूरिपस जलडमरू मध्य इस द्वीप को ग्रीस की मुख्य भूमि में स्थित बोई ओटिया से अलग करता है मूल रूप से इस द्वीप को मुख्य भूमि का भाग माना जाता था जो भूकंप के कारण मुख्य भूमि से अलग हो गया था ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह द्वीप फॉल्ट लाइन के समीप अवस्थित है हाल ही में ग्रीस के एविया द्वीप में लगी बनाग्नि तेज हवाओं के साथ लगातार गाँव की ओर बढ़ती जा रही है इसके चलते ग्रीस तीस वर्षो में सबसे भीषण गर्मी का अनुभव कर रहा है ग्रीस में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेंसी लोकपा ग्लेशियर अवस्थित है लद्दाख सिक्किम जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश सही उत्तर है लद्दाख में व्याख्या देख लेते हैं एक हालिया अध्ययन के अनुसार लद्दाख की जांचकर घाटी में स्थित पेंसिलुंग ग्लेशियर सर्दियों के दौरान तापमान में वृद्धि तथा वर्षा की मात्रा में कमी के कारण पीछे हट रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून वर्ष 2015 से ग्लेशियोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित जांचकर पर्वत श्रृंखला जांचकर को लद्दाख से अलग करती है जांचकर पर्वत श्रृंखला भू वैज्ञानिक दृष्टि से टेथिस हिमालय का भाग है जांचकर रेंज के उत्तर पश्चिम में जोंजला दर्रा स्थित है इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा